अमृत महोत्सवी वर्षाच्या मी सर्वांना शुभेच्छा देतो. आपला स्वातंत्र्य दिन चिरायू हो अशा प्रकारची प्रार्थना देखील करतो. आणि आपले पंतप्रधान माननीय मोदीजी यांनी ज्या प्रकारे सांगितलं की आपला अमृत काल सुरू झाला आहे आणि आता पुढच्या 25 वर्षाचा विचार करून आपल्याला बलशाली भारत तयार करायचा आहे, सर्वसमावेशक अशा प्रकारचा विकास करायचा आहे. महाराष्ट्रातही नवीन सरकार मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे यांच्या नेतृत्वामध्ये समाजातल्या सर्व स्तरातल्या लोकांना सोबत घेऊन एक मजबूत बलशाली आणि विकसित महाराष्ट्र तयार करेल. तीन दलित, गोरगरीब, आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर, महिला, ओबीसी, अल्पसंख्याक, बारा बलुतेदार सर्वांच्या जीवनामध्ये सकारात्मक परिवर्तन करणाऱ्या योजना हे सरकार निश्चित राबवेल हाच विश्वास आज मी व्यक्त करतो. आणि आजच्या या दिनाच्या निमित्ताने भारत मातेला वंदन करतानाच सर्व नाम आणि अनाम स्वातंत्र्य संग्राम सेनानी यांना मी नमन करतो. भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के निमित्त से सभी देशवासियों को मैं स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. हमारे स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने जो अपेक्षा व्यक्त की है कि हमारा अमृत काल शुरू है और इस अमृत काल में भारत को एक बलशाली और विकसित देश बनाना है और समावेशी विकास, सभी को साथ में लेकर विकास, इस प्रकार का जो मंत्र दिया है. महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे इनके नेतृत्व में समाज के सभी तबकों के लोगों को साथ में लेकर विकास की राह पर चलेगी. मजबूत भारत की नींव मजबूत महाराष्ट्र से हम तैयार करेंगे. मैं फिर एक बार सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और विशेष रूप से जो नाम और अनाम गुमनाम ऐसे जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है सभी को आज के इस मौके पर मैं नमन करता हूँ.